संकट जो न गर्भ नायो, फिर संकट जो न गर्भ नायो, जपयो जिन अर्जन देव गुरु, जपयो जिन अर्जन देव गुरु। तत विचार यह मथुरा जग तारण को अवतार बनायो, तत विचार यह मथुरा जग तारण को अवतार बनायो, जपयो जिन अर्जन देव गुरु, फिर संकट जो न गर्भ ना आयो, तत विचार यह मथुरा, तत विचार यह जग तारण को अवतार बनायो। जग तारण को अवतार बनायो, जपयो जिन अर्जन देव गुरु, जपयो जिन अर्जन देव गुरु, फिर संकट जो न गर्भ नायो, फिर संकट जो न गर्भ नायो, जपयो जपयो जिन अर्जन देव गुरु, जपयो जिन अर्जन देव गुरु, फिर संकट जो न गर्भ नायो, फिर संकट जो न गर्भ नायो, जपयो जिन अर्जन देव गुरु, जपयो जिन अर्जन देव गुरु। शर्मा पमर रे रे नी पनि सरे मारे नी शर्मा पनि पमा रे सारे सनी सनी बनी बमा बमरे मा बमरे सा, जपयो जिन अर्जन दे गुरु, जपयो जिन अर्जन देव गुरु, फिर संकट जो न गर्भ नायो, फिर संकट जो न गर्भ नायो, जपयो जिन
अर्जन देव गुरु जपे ओ जिन अर्जन जपे ओ जिन अर्जन जपे ओ जिन अर्जन देव गुरु फिर संगत जो न गर्भ ना दया करो नानक गुण गावे दया करो नानक गुण गावे मिठा लगे तेरा पाना मिठा लगे तेरा पाना दया करो नानक गुण गावे दया करो नानक गुण गावे मिठा लगे तेरा पाना मिठा लगे तेरा पाना निर्गुण मुग्ध अज्ञान कर्म धर्म नहीं जाना निर्गुण मुग्ध अजान अज्ञानी कर्म धर्म नहीं जाना कर्म धर्म नहीं जाना दया करो नानक गुण गावे दया करो नानक गुण गावे मीठा लगे तेरा पाना मीठा लगे तेरा पाना जब कछ ना सियो तब क्या करता कौन कर्म कर आया जब कछ ना सियो तब क्या करता कौन कर्म कर आया अपना खेल आप कर देखे ठाकुर रचन रचाया ठाकुर रचन रचाया दया करो नानक गुण गावे दया करो नानक गुण गावे मीठा लगे तेरा पाना मीठा लगे तेरा पाना
मुझ पे कछु ना होई। मेरे राम राय, मेरे राम राय, मुझ पे कछु ना होई। आपे करता आप कराए, सर्व निरंतर सोई, सर्व निरंतर सोई। दया करो नानक गुण गावे, दया करो नानक गुण गावे। मिठा लगे तेरा पाना, मिठा लगे तेरा पाना, दया करो नानक गुण गावे, दया करो नानक गुण गावे। मिठा लगे तेरा पाना, मिठा लगे तेरा पाना। गणती गणी ना छूटे कतु, काची देह आई। गणती गणी ना छूटे कतु, काची देह आनी। कृपा करो प्रभु करने हारे, तेरी बख्श निराली। गणती गणी ना छूटे कतहु, काची देह आनी। कृपा करो प्रभु करने हारे, तेरी बख्श निराली, तेरी बख्श निराली। दया करो नानक गुण गावे, दया करो नानक गुण गावे। मिठा लगे तेरा पाना, मिठा लगे तेरा पाना। जी जंतु सब तेरे कीते, कट कट तू ही ध्याई है। जी जंतु सब तेरे कीते, कट कट तू ही ध्याई है। तेरी गत मित तू है जाने, कुदरत की मुना पाई है, कुदरत की मुना पाई है। दया करो नानक गुण गावे,
दया करो। नानक गुण गावे मिठा लगे तेरा पाना, मिठा लगे तेरा पाना। दया करो नानक गुण गावे, दया करो नानक गुण गावे, मीठा लगे तेरा पाना, मीठा लगे तेरा पाना। मेरे राम राय, मेरे राम राय, मुझते कछु न होई। आपे करता आप कराए, सर्व निरंतर सोई। सूरज किरण मिले, जल का जल हुआ राम। ज्योति ज्योत रली, संपूर्ण थी राम। आपे करता आप कराए, आप करता आप भुगता, आपका बिनवंत नानक से ही जाने। जिन्नी हर रस पिया आपे करता आप कराए, सर्व निरंतर सोई, सर्व निरंतर सोई। दया करो नानक गुण गावे, दया करो नानक गुण गावे, मीठा लगे तेरा पाना, मीठा लगे तेरा पाना, लगे तेरा पाना, मीठा लगे तेरा पाना। रहते पूर दरिया वेच, रहंदे गुर दरिया वेच, मीन कुलीन हेत निर्बाणी, मीन कुलीन हेत रहंदे पूर दरिया बेच, रहंदे पूर दरिया बेच, मीन कुलीन हेत निर्बाणी, मीन कुलीन हेत
दर्शन देख पतंग जो ज्योति अंदर ज्योत समानी दर्शन देख पतंग जो ज्योति अंदर ज्योत समानी रहंदे गुर दरिया बेच रहंदे गुर दरिया बेच मीन कुलीन हेत निर्वाणी मीन कुलीन हेत शब्द सुरत निव मिर्ग जो पीड़ पई चित आवर नयानी शब्द सुरत लेव मिर्ग जो पीड़ पई चित आवर नयानी चरण कवल मिल पावर जो सुख संपत विच रैन विहानी चरण कमल मिल पावर जो सुख संपत विच रैन विहानी सुख संपत विच रैन विहानी सुख संपत विच रैन विहानी रहंदे गुर दरिया बेच रहंदे गुर दरिया बेच मीन कुलीन हेत निर्वाणी मीन कुलीन हेत गुर उपदेश ना विसरे बाबी है जो आख वखानी गुरमुख सुख फल पिरम रस सहज समा साध संग जानी गुरु अर्जल गुरमुख सुख फल परम रस सहज समाद साध संग जानी गुरु अर्जन
तो कुर्बानी गुरु अर्जन तो कुर्बानी रहंदे गुर दरिया बेच रहंदे गुर दरिया बेच मीन कुलीन हेत निर्बाणी मीन कुलीन हेत निर्बाणी दर्शन देख पतंग जो ज्योति अंदर ज्योत समानी दर्शन देख पतंग जो ज्योति अंदर ज्योत समानी ज्योति अंदर ज्योत समानी रहंदे गुर दरिया बीच रहंदे गुर दरिया बीच मीन कुलीन हेत निर्वाणी मीन कुलीन हेत जो जल मैं जल आए खटाना जो जल मैं जल आए खटाना त्यों ज्योति संग ज्योत समाना त्यों ज्योति संग ज्योत समाना जो जल मैं जल आए खटाना जो जल मैं जल आए खटाना आए खटाना त्यों ज्योति संग ज्योत समाना त्यों ज्योति संग ज्योत समाना जो जल मैं जल आए खटाना आए खटाना कब हूँ साध संगत एह पावे कब हूँ साध संगत एह पावे उस अस्थान ते बहुर ना आवे स्थान ते बहुर ना आवे जो जल मैं जल आए खटाना
जो जल में जल आए खटाना आए खटाना तू ज्योति संग ज्योत समाना त्यों ज्योति संग ज्योत समाना जो जल में जल आए खटाना आए खटाना अंतर होए ज्ञान परगास अंतर होए ज्ञान परगास उस स्थान का नहीं विनाश स्थान का नहीं विनाश उस स्थान का नहीं विनाश जो जल में जल आए खटाना आए खटाना जो जल में आए खटाना आए खटाना त्यों ज्योति संग ज्योत समाना त्यों ज्योति संग ज्योत समाना जो जल में जल आए खटाना आए खटाना मन तन नाम रते एक रंग मन तन नाम रते एक रंग मन तन नाम रते एक रंग सदा बसे पार ब्रह्म के संग सदा पार ब्रह्म के संग मन तन नाम रते एक रंग मन तन नाम रते एक रंग सदा बसे पार ब्रह्म के संग सदा बसे पार ब्रह्म के संग जो जल में जल आए खटाना आए खटाना जो जल में जल आए खटाना आए खटाना
त्यों ज्योति संग ज्योत समाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना, जो जल मैं जल आए खटाना, आए खटाना। मिट गए गवन पाए विश्राम, मिट गए गवन पाए विश्राम, नानक प्रभु के सत कुर्बान, नानक प्रभु के सत कुर्बान, जो जल मैं जल आए खटाना, आए खटाना, जो जल मैं जल आए खटाना, आए खटाना, त्यों ज्योति संग ज्योत सवाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना, जो जल मैं जल आए खटाना, आए खटाना, जो जल मैं जल आए खटाना, आए खटाना, आए खटाना। नारायण नरपत नमस्कार, नारायण नरपत नमस्कार, ऐसे गुरु को बल बल जाइए, ऐसे गुरु को बल बल जाइए, आप मुकत मोहे, आप मुकत मोहे तारे, ऐसे गुरु को बल बल जाइए, ऐसे गुरु को बल बल जाइए, आप मुकत मोहे, आप मुकत मोहे तारे, ऐसे गुरु को बल बल जाइए, ऐसे गुरु को बल बल जाइए। कवन 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 गुण कहिए, कवन 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 गुण कहिए,
अंत नहीं कछु पारे अंत नहीं कछु पारे लाख 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 त्रिपोरे लाख 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 त्रिपोरे को है सो बिचारे को है सो बिचारे ऐसे गुरु को बल बल जाइए ऐसे गुरु को बल बल जाइए आप मुकत मोहे आप मुकत मोहे तारे ऐसे गुरु को बल बल जाइए ऐसे गुरु को बल विषम 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 ही पई है लाल गुलाल रंगारे लाल गुलाल रंगारे कहो नानक संतन रस आई है कहु नानक संतन रस आई है कहु नानक संतन रस आई है जो जा मुस्कारे जो चाख गूंगा मुस्कारे विषम 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 ही पई है विषम 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 ही पई लाल गुलाल रंगारे लाल गुलाल रंगारे कहु नानक संतन रस आई है कहु नानक संतन रस आई चाख गूंगा मुस्कारे जो चाख गूंगा मुस्कारे ऐसे गुरु को बल बल जाइए 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 सिमर मना चितारे
बस रहे हृदय गुरचरण प्यारे। भूले मार्ग जिन्होंने बताया भागी पाया। बलहारी गुरे आपने देवहारी सदवा जिन मानस ते देव ते किए करत ना लागी वार करत ना लागी वार। नारायण नरपत नमस्कार नारायण नरपत नमस्कार नारायण नरपत नमस्कार नारायण नरपत नमस्कार। ऐसे गुरु को बल बल जाइए ऐसे गुरु को बल बल जाइए। आप मुकत मोहे आप मुकत मोहे आप मुकत मोहे आप मुकत मोहे तारे। ऐसे गुरु को बल बल जाइए ऐसे गुरु को बल बल जाइए ऐसे गुरु को बल बल जाइए। इन सेवा प्रवान भुला चुकां दी खिमा जी फतेह दी सांझ करो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम वाहे गुरु जी सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ। परम सत्कार योग गुरु सवारे खालसा जी आओ मन बिरतियां नूं कागर करके गुरु चरणा विच हाजरी लवाइए। एक बार सारे गज के आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी। अज सारा सिख जगत पंजवें नानक पंचम पातशाह हजूर साहब श्री गुरु अर्जन देव महाराज का शहीदी पुरब पूरी श्रद्धा ते सत्कार दे नाल मना रहा है। अगर गुरु अर्जन साहब के जीवन नूं असी समझना होवे तां भट्टां ने अपने सवैयां दे विच
इसनों बड़ा सुंदर बयान किया है। भट्ट जी लिखते ने, तत् विचार यह मथुरा जग तारन को अवतार बनायो, जप्यो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ ना आयो। भट्ट जी कृपा करते हैं कि गुरु अर्जन देव पातशाह का जन्म गुरगद्दी ते विराजमान होना एक केवल ते केवल जग नू तारन वास्ते, संसार नू संसार दा कल्याण करन वास्ते, मनुखता दी सेवा वास्ते परमात्मा ने ये सारी विध बनाई। अगर गुरु साहब दे बचपन नू असी देखना होवे ता भट्ट साहब कहिंदे आ कि गुरु अर्जन देव महाराज ऐसे तीखण बुद्धि दे मालक सन जिन्हां नू जन्म तो ही गुरमत दा ज्ञान सी, ब्रह्म दा ज्ञान सी। भट्ट साहब दा कथन है, तैं जन्मत गुरमत ब्रह्म पछाण्यो, भाव गुरु अर्जन देव पातशाह ने जन्म तो ही ब्रह्म नू ते गुरमत नू पछाण लिया, समझ लिया। ते जदों गुरु अर्जन देव पातशाह गुरगद्दी ते विराजमान हुंदे आ तां उही भट्ट साहिब कहिंदे आ, धरन गगन नव खंड मैं जोत स्वरूपी रहो भर, भन मथरा कछ भेद नाही गुरु अर्जन पर तख हर। भट्ट साहिब कहिंदे आ कि पूरे ब्रह्मांड धरती दे नौ खंडां दे विच गुरु अर्जन देव पातशाह एक अगम्मी जोत की तरह विचर रहे ने, ते इंज लगदा है जिवें आप अकाल पुरख इस धरती ते अमृतसर की धरती ते आके गुरगद्दी ते बैठा होवे। गुरु अर्जन देव महाराज ते अकाल पुरख परमात्मा दे विच कोई भेद नहीं, पर तख हर दा मतलब स्पष्ट प्रैक्टिकली वो आप वाहिगुरु गुरु अर्जन देव पातशाह दे रूप दे विच अमृतसर की धरती ते विचर रहा। जदों गुरु अर्जन देव पातशाह की शहीदी आउंदी है तो इसका जिक्र भाई गुरदास जी ने बड़ा सुंदर किया है, ये असी अगे जा के बयान करांगे समझांगे। अज चूंकि गुरु पातशाह का शहीदी दिहाड़ा, सब तो पहला इस शहीदी नू समझन वास्ते सानू ये शहीद शब्द ते शहादत, ये शब्द कितों आया, इसका भाव की है, इस दे बारे समझना बड़ा जरूरी है। अगर असी भारतीय परंपरा जिहड़ा इंडियन स्पिरिचुअल स्कूल ऑफ थॉट है उस विच देखण दा जतन करिए तो भारतीय परंपरा भी शहीदी का शहादत का कोई कंसैप्ट ही नहीं। जो शहादत का कंसैप्ट नहीं तो शहीद या शहीदी शब्द का होना पॉसिबल ही नहीं। हिंदुस्तान के जोड़े चार मुख उदो धर्म सन, योग मत, बुद्ध मत, जैन मत ते हिंदू धर्म, इन चार फिरकों के शहीदी का कंसैप्ट नहीं। हाँ, हिंदू धर्म के बलि का कंसैप्ट है, और बलि ज़्यादातर दूसरे की दी जाती है, वह भी पशु पंछी या किसी जानवर की। जदों गुरु अर्जन देव जी की शहादत होंदी है 1606 दे, पर जिहड़ा शहीदी शब्द है ये सिख कल्चर दे विच, सिख लिटरेचर दे विच उस तो पहला आ जाता है। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे विच दो बार ये शहीद शब्द आया है। पहली बारी गुरु नानक साहब इसका जिक्र करते हैं, पीर पैकामर सालक साधक सहदे और शहीद, ते दूसरी बारी भगत रविदास जी
बाबा कबीर जी दे परिवार बारे गल करदे आ, इस शहीद का जिक्र, इस शब्द का जिक्र करदे आ। ईद बकरीद जाके कुल विखे गौरै वद करै मानिया शेख शहीद पीरा। मेरा कहन तो भाव यह है कि अगर गुरु अर्जन देव पातशाह की शहादत तो पहला शहीद शब्द सिख कल्चर विच, सिख स्क्रिप्ट विच आउंदा है, तां इस गल का प्रतीक है कि जे ये शब्द हिंदुस्तानी परंपरा का नहीं तां फिर किसी होर परंपरा दे विचों सिख धर्म दे विच आया। शहीद शब्द मूल रूप दे विच अरबी का शब्द है, तो अरबी दे विच शहीद का अर्थ है गवाह। शहादत गवाही, तो शहीद देन वाला गवाह, भाव वो मनुख जेड़ा दुनिया ते होए जुल्मां दी गवाही उस अल्लाह दी दरगाह विच दिंदा है, उस वहगुरु दे दरबार विच उसकी हामी भरदा है कि आ जुल्म होया वो शहीद है। तो जिसनू अपनी जान उस सच नू उस जुल्म दे टाकरे करदिया देनी पवे वो शहीद है। बेशक ये शब्द इस्लाम विचों साढ़े सिख संस्कार दे विच आया, पर इस्लाम दे विच जेड़ा इस शब्द का मापदंड है, पैरामीटर है, वो सिख इतिहास वर्गा या गुरमत वर्गा उचा नहीं। इस्लाम विच भी इसनू शहादत वजों सच ते धर्म दे न्याय विच लड़दियां गवाही वजों ही लिया गया है। इस्लाम विच एक जंग नू बड़ा याद किया जाता है, जंगे ओहद। जंगे ओहद दे विच हजरत मुहम्मद साहेब आप उस जंग विच शामिल हुंदे आ, ते एक बड़े महान जरनैल उमैद बिन कासम उस दे नाल जदों आमो सामनी लड़ाई हुंदी है, उस विच हजरत मुहम्मद साहब जमीन ते डिग जांदे आ। उन्हां समयां दे विच लड़ाइयां दे विच बहुत मनुखी जाना जांदियां सी, और जिहड़ी लाइफ सेविंग रिसोर्सेज सी वो है नहीं सी जां बहुत घट सी, इस करके जिहड़े जंग विच लड़न वाले फौजी सी उन्हां नूं इक स्किल सिखाई जांदी सी कि जदों कोई भी जवान कोई भी जरनैल उस मैदाने जंग विच लड़न दे अपने आप नूं काबिल ना समझे तां इक लंबे समय वास्ते अपना साह रोक के मरे होण दा भुलेखा पावे तां जो दुश्मन उसनूं छड्ड के चला जाए। यही जिहड़ी स्किल सी हजरत मुहम्मद साहब ने वरती, उन्हां ने अपने साह नूं रोक के जदों जमीन ते लेट गए, और इस दे नाल ही इस स्किल दा तोड़ जिहड़ा दुश्मन ने लभ्या वो ये सी कि दुश्मन जमीन ते गिरे हुए दुश्मन दा दंद तोड़ के देखदा सी भी ये एक्चुअली मर गया जां मरन दी एक्टिंग कर रहे। जदों हजरत मुहम्मद साहब उस जंगे ओहद दे मैदान विच डिगे हुए ने तां जिहड़ा उमैद बिन कासम है वो इस पत्थर दे नाल उन्हां दा दंद तोड़ के देखदा है, पर उस विच कामयाब नहीं हुंदा, वो मुहम्मद साहब नूं छड्ड के चला जांदा। इस घटना नूं इस्लाम विच हजरत मुहम्मद साहब दे दंद नूं भी शहीद दा दर्जा दित्ता गया। पंजाबी दा एक बड़ा मशहूर किस्साकार कवि होया सैयद वारिस शाह, वो लिखदा है, दित्ती जहर तकदीर ने हसन ताई शीशा हुसैन दा कटदी है वारस नबी दा दंद शहीद होया तकदीर ना किसे तो हटदी है। इस्लाम दे विच हजरत मुहम्मद साहब विचों दित्ती गई दंद की कुरबानी नूं भी एक शहीद का दर्जा वो दिंदे ने। इस तो बाद इस्लाम की जिहड़ी अगली जंग आउंदी है वह है करबला की जंग। इस जंग दे विच हजरत मुहम्मद साहब के दोहते हजरत हसन की मौत हुंदी है, तो इस्लाम उसनूं किंग ऑफ मार्टर शहीदां दा बादशाह दा दर्जा दिंदा है। अगर असीं होर धर्मां की गल करिए, क्रिश्चियनिटी विच जीसस क्राइस्ट ने शहीदी दित्ती, यहूदी धर्म विच बड़ियां शहीदियां होईयां, ईवन
इस्लाम विच भी जिहड़े सूफी मत नूं मन्नण वाला फिरका सी उन्हां नूं भी बड़ियां शहीदियां देणियां पईयां। पर गुरु अर्जन देव पातशाह दी शहादत इन्हां सारिआं नालों विलक्षण है। इस करके ही गुरु अर्जन देव पातशाह नूं शहीदां दे सरताज कहा जाता है। सिरताज भाव सिरे दा ताज, जिन्ने भी शहीद होए ने उन्हां दे सिरे दा ताज। संसार दे हरेक धर्म विच जिन्ने भी शहीद होए ने वो सारे सत्कार योग ने, पर गुरु अर्जन देव पातशाह नूं शहीदां दे सरताज क्यों कहा जाता है, ये गल नूं समझण की बड़ी जरूरत है। आम तौर पर असी ये समझते हाँ भी शायद गुरु अर्जन देव पातशाह सिख धर्म के पहले शहीद सी, इस करके गुरु साहब नूं शहीदां दे सरताज कहा जाता है। नहीं, ये सच नहीं। सिख इतिहास के विच गुरु अर्जन देव पातशाह तो पहला एक होर शहीदी का जिक्र आता है। ये जिक्र भाई गुरदास जी करते हैं अपनी 13वीं वार की 11वीं पौड़ी के विच। गुरु नानक पातशाह का एक सिख तारू पोपट, जिसनू बाबर बादशाह लाहौर में शहीद करता है। भाई साहब कहते हैं, तारू पोपट तारिया गुरमुख बाल सुभाए उदासी। जदों बाबर का हमला होंदा है गुरु नानक पातशाह दे नाल मेल तो बाद, बाबर इस सिख नूं लाहौर दे विच शहीद करदा है। तां फिर की कारण है कि गुरु अर्जन देव पातशाह नूं शहीदां दे सरताज कहा जांदा? वह कारण यह है कि गुरु अर्जन देव पातशाह तो जिन्ने भी पहला शहीद होए उन्हां दा जिहड़ा डैथ वारंट हुंदा सी उसदे वो केवल तो केवल एक मौत का फतवा हुंदा सी। उन्हां दे कोल अपनी जान बचाउण दा कोई दूसरा रस्ता, कोई दूसरा दरवाजा नहीं हुंदा सी। भाव उन्हां दे कोल मौत नूं चुनना जां ना चुनना उन्हां दी इच्छा नहीं सी, एक मजबूरी सी, कोई होर दूसरा तरीका नहीं सी। पर जदों गुरु अर्जन देव पातशाह नूं शहीद किया जाता है तो गुरु अर्जन देव पातशाह दे कोल एक रस्ता है। जहांगीर तुझके जहांगीरी दे विच लिखता है कि जिहड़ा वह गुरु अर्जन देव पातशाह वास्ते डैथ वारंट रिलीज़ करता है उस दे विच वो बकायदा मैनशन करता है कि अगर गुरु अर्जन देव पातशाह दिने इस्लाम नूं कबूल कर लैन तो उन्हां दी जान बख्श दित्ती जावे। पर गुरु अर्जन देव पातशाह इस शर्त नूं कबूल नहीं करते, इस रस्ते ते नहीं चलते। भाव जिहड़ा ये ऑफर सी एक जान बचाण दा अज तो पहले हुए शहीदां नूं नहीं मिलिया, गुरु अर्जन देव पातशाह नूं मिलदा है। पर गुरु साहब इस अवसर नूं नहीं लैंदे, सच ते धर्म दे न्याय वास्ते अपनी जान कुर्बान करदे आ। इस करके गुरु अर्जन देव पातशाह नूं शहीदां दे सरताज कहा जाता है। दूसरा कारण, जदों गुरु अर्जन देव पातशाह शहीद हुंदे आ तां उन्हां दे विच एक बड़ा सिरे दा सोज है, सबर है, संतोख है, काली नहीं कोई पछतावा नहीं। क्योंकि मौत नूं देखना, मौत नूं बर्दाश्त करना बड़ा औखा हुंदा है। जदों असी संसार दे धर्मां दा इतिहास पढ़दे हाँ, इंडियन कल्चर प्रस्पेक्ट विच देखिए तां जदों कुरुक्षेत्र दे मैदान विच अभिमन्यु की मौत होंदी है तां विश्व का सब तो वधिया तीर अंदाज अर्जुन घबरा जांदा है, अपने हथियार सुट देंदा, लड़ना बंद कर देंदा। जदों भगवान श्री राम नूं देश निकाला बनवास मिलता है, वो बनवास ते जांदे आ तां उन्हां दा पिता दशरथ इस सदमे नूं बर्दाश्त नहीं कर सकता, उन्हां दी मौत हो जाती है। सूफी फकीर मंसूर जदों उसनूं फांसी दित्ती जाती है तो वह कहिंदा है, या खुदा ये मैनूं पहला पता ही नहीं सी कि इश्क दी नमाज पढ़न वास्ते उजू खून विच करना पैंदा है। भाव गुरु अर्जन देव पातशाह तो पहला जिन्ने शहीद ने, शहीदी दे वक्त उन्हां दे विच ओ सहज, ओ सबर, ओ संतोख,
वह वाहगुरु ते भरोसा नहीं जो गुरु अर्जन देव पातशाह विच। हुण गुरु अर्जन देव पातशाह दी शहादत नूं असीं देख लईए। सब तो पहला असीं जिक्र करांगे साईं मियां मीर जी दा। साईं मियां मीर जदों शहीदी वेले गुरु अर्जन देव पातशाह दे कोल जांदे आ, देख के बड़ा दुखी हुंदे ने, ते गुरु पातशाह नूं कहिंदे, पातशाह आप हुक्म करो, मैं दुश्मनां दा सत्यानाश कर सकना। पर गुरु पातशाह कहिंदे ने, साईं जी तुसी किस दा सत्यानाश करोगे, मेरा ते कोई दुश्मन ही नहीं। सबको मीत हम आपन कीना, हम सबना के साथ। साईं मियां मीर जी दूजा सवाल करदे आ, पातशाह तत्ती लो सिर थले अग बलदी, सिर सारा जिसम सारा छाले छाले हो गया, दर्द ते बहुत हुंदा होएगा। गुरु पातशाह जवाब देंदे ने, साईं जी सबर विच दर्द नहीं हुंदा, तेरा किया मीठा लागे, हर नाम पदार्थ नानक मांगे। जे गुरु अर्जन पातशाह दे सबर नूं देखना होवे तां गुरु अर्जन देव पातशाह दी शहीदी दा जो वर्णन भाई गुरदास जी ने किया, जो आप जी ने शब्द भी श्रवण किया, उसनों बड़े ध्यान नाल समझन दी लोड़ है। आम तौर पर जिहड़े साडे सिख व्याख्याकार ने वो ये कहिंदे ने कि भाई गुरदास जी ने गुरु अर्जन देव की शहीदी का वर्णन नहीं किया, उसनों लिखिया नहीं। नहीं, भाई गुरदास जी ने गुरु अर्जन देव जी की शहीदी का वर्णन किया, इसनों लिखिया। हाँ, वो लिखिया इन्ने गूढ़े ढंग विच कि उसनों समझना जड़ा मुश्किल। आओ शब्द वाचिए जड़ा आप जी ने हुणे सुनिया, गुरु अर्जन विटों कुरबाणी। भाई गुरदास जी कहिंदे, मैं गुरु अर्जन देव पातशाह की शहादत तो कुरबान जाना, बलिहार जाना। क्यों? पातशाह कहिंदे ने, रहिंदे गुर दरियाओ विच मीन कुलीन हेत निरबाणी। भावें सारा जिसम छाले छाले हो गया, भावें सिर ते तत्ती रेत पै रही है, इन्ने दुख के बावजूद गुरु अर्जन देव पातशाह इस तरह शांत ने, इस तरह सहज ने, जिमें इच मच्छी जल विच जाके शांत हुंदी है, सहज हुंदी। अगली पंक्ति इत्थे है, रहिंदे गुर दरियाओ। दरियाओ का मतलब दरिया जां पानी नहीं, दरिया का मतलब है वड्डा जिगरा, सहज विशाल। भाई साहब कहिंदे ने, दर्शन देख पतंग ज्यों, ज्योति अंदर ज्योत समाणी। भी गुरु अर्जन देव पातशाह बलदी अग ते बलदी तवी ते जाके इस तरह बैठ गए जिवें एक पतंगा लाइट की रोशनी नू अग नू देख के अपने आप सड़न वास्ते चला जाता, जिवें उस पतंगे का इशक उसके लोह दे नाल है, लाइट दे नाल है, इवें ही सॉरी गुरु अर्जन देव जी का जिहड़ा इश्क है वह सच धर्म के न्याय के नाल। शब्द सुरत लिव मिर्ग ज्यों, भीड़ पई चीत अवर न जानी। जिवें एक मिर्ग की जिहड़ी सुरत है वह एक शब्द नाल जुड़ी जाती है। आम तौर पर कहा जाता है कि जदों मिर्ग नूं फड़ना हुंदा तो शिकारी एक विशेष किस्म का साज बजाउंदे ने। मिर्ग हिरन उस साज नूं सुनदा सुनदा अपने आप शिकारी की कैद विच आ जांदा है। इस तरह सच धर्म के न्याय वास्ते, धर्म की सताती वास्ते गुरु अर्जन देव पातशाह आप चल के अमृतसरों चल के लाहौर शहादत वास्ते गए। इस तरह इस वार की सारी पौड़ी दे विच बड़े गहर तरीके दे नाल भाई गुरदास जी ने गुरु अर्जन देव जी की शहादत नूं बयान किया। अखीर विच भाई गुरदास जी कहिंदे आ कि मैं ऐसे गुरु की शहीदी तो, ऐसे गुरु तो बलिहार जाना जिन्हां दे विच इन्ना सहज है, इन्ना सबर है। अज की इस शहादत तो असी की सीखना है, जां असी की अपने जीवन में सिक्ख्या लै सकने आ? सब तो वड्डी सिक्ख्या गुरु अर्जन देव पातशाह दे जीवन तो,
उन्हां विच जिन्ना सहज सी, जिन्नी निम्रता सी, जिन्नी लियाकत सी, उन्होंने अपनी लियाकत नूं किते भी जाहर नहीं किया। असी जानने आ जो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की संपादना संपूर्ण की, पातशाह ने शब्द की उचारिया, तेरा किता जातो नाहीं मैनू जो कितो। हे वाहगुरु, मैं किसे लायक नहीं, पर तू मेरे ते कृपा की, मैनू इस लायक बनाया, मैनू इस ग्रंथ की मैं संपादना कर सकिया। जदों घर के परिवारक मैंबर विरोध करते आ तो गुरु साहब अपनी सारी प्रॉपर्टी का हिस्सा अपने भरावां नूं दे दिंदे आ, आप कुछ नहीं लेंदे। असी गुरु रामदास पातशाह के दूसरे दो पुत्रा पृथ्वी चंद की जिंदगी तो भी अज के दिन सिक्ख्या लै सकने। पृथ्वी चंद विच हर गुण है, हर चीज़ का उन्हूं ज्ञान है, सियाणा है, पर इको ना समझी है। वो कहिंदा मैनू गुरु रामदास नहीं चाहिए, मैनू गुरु रामदास पातशाह की गुरगद्दी चाहिए। जे असी अज भी यह समझते रहिए भी सानू गुरु ग्रंथ नहीं चाहिए, केवल गुरु ग्रंथ दियाँ तो लैनिया दौलत चाहिए ने, गुरु ग्रंथ तो मंगा ही चाहिए ने, तो प्यारियों जिंदगी विच कामयाबी नहीं मिलनी। आओ गुरु अर्जन देव पातशाह की सोच नू जिंदगी विच अपनाइए, जो कुछ मिलिया उस विच सबर संतोख करिए, उस वास्ते वाहगुरु का धन्यवाद करिए। गुरु ग्रंथ साहिब नू चाहिए, ना कि गुरु ग्रंथ साहिब तो मिलने वाली दौलतों की इच्छा रखिए। इन्ना ही समा मैं लेना क्योंकि शॉर्ट लैक्चर से, असी ठीक समय के दीवान की समाप्ति भी करनी है। भुल चुक दी खिमा, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं ज्ञानी जी को बेनती करांगा सेज ते ही आनंद साहब का पाठ करके समाप्ति करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ਆਗ ਰਤਨ ਪਰਿਵਾਰ ਭਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣੀ ਆਈਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਉਤਾਂ ਗਾਵ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਿ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੁਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ ਅੰਗੀਕਾਰ ਉਖਰੇ ਤੇਰਾ, ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਰਨਾ ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਿਮਰਤ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਮਨ ਵਿਸਾਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀਂ ਘਟਦੇ ਰਹਿ, ਘਟਦਾ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇਹ ਸੋ ਪਾਵੇ ਸਦਾ ਸਿਪ ਸਲਾਹ, ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ, ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਜ ਸ਼ਬਦ ਘਨੇ ਰਹੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਹੀਂ ਘਟਦੇ ਰਹਿ, ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਸੱਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ, ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ, ਕਰਸਾਨ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ, ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ, ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਧਰੋ ਪਿਆਰੋ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਵਾਜੇ ਪੰਚ ਸ਼ਬਦ ਘਰ ਸਭਾਗੈ, ਘਰ ਸਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ, ਕਲਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰੀਆਂ, ਪੰਚ ਦੂਤ ਵਸ ਕੀਤੇ, ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ ਧੂਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ, ਤੂੰ ਕੋਸੇ ਨਾਮ ਹਰਿ ਕੇ ਲਾਗੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈਂਸ ਕਹੋ ਅਚਿਤ ਕਰ ਆਨੰਦ ਵਾਜੇ, ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵੱਡ ਭਾਗਿਓ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ, ਪਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਤੇਰੇ ਸਗਲ ਵਸੂਰੇ, ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ, ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਥ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਪਰ ਪੂਰੇ, ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ, ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਪਰ ਪੂਰੇ, ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਸਲੋਕ ਪਵਣ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਾਤ, ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੁਏ ਦਾਈ ਦਾਇਆ, ਖਿਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ,
चंगियाईया बुरियाईया कर में आपो अपनी के नड़ के दूर जिनी नाम ध्याया गए मसकत काल नानक ते मुख उजले केती छुटी नाल जिनी नाम ध्याया नानक ते मुख उजले केती छुटी नाल वाहिगुरु खालसा वाहिगुरु जी की फतेह तू ठाकुर तुम प्यार दास सुख घनेर कोई न जाने तुमरा भगवंत सगल समग्री तुम रे सुतर तुम ते हो सो आज्ञाकारी तुम रे गात मित तुम्हें सदा कुर्बानी तुम रे गात मित बोलना जी सतनाम श्री वाहिगुरु तो दे आगे अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा कहो नानक सब तेरी वडियाई कोई नाव ना जाने मेरा अरदास इको अंकार वाहिगुरु जी की फतह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती समरक गुरु नानक लई ते आए फिर अंगद गुरते अमरदास रामदास होई सहाय अर्जन हर गोविंद नो सिमरहु श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई है जिस ठे सब दिख जाए तो एक बहादुर सिमर कहर नव निध आवे ताए सब थाई होए सहाय दसमा पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह साहेब जी सब थाई होए सहाय दसहा पातशाहियाँ दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहेब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान तरक बोलो जी पंजा प्यारियां चौह साहिबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिना नाम जपया वंड छकया देग चलाई तेग वाही देख कैंडिट कीता तिना प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान तरके खालसा जी बोलो जी जिना सिंघासिंघणियां ने धर्म हेत शीश दिते बंद बंद कटाए खोपड़ियां लुहाइयां चरखियां ते चढ़े आरिया नाल चीरे गए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म निहारिया सिखी केसां सुहासां नाल निभाई तिना दी कमाई दा ध्यान तरके खालसा जी बोलो जी पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान तरके बोलो जी प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहिगुरु 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 चित आवे चित आवन कशद का सर्व सुख होवे जहाँ जहाँ खालसा जी साहेब तहाँ तहाँ रक्षा रियायत देख तेग फतह ब्रद की पैज पंथ की जीत श्री साहेब जी सहाय खालस जी के बोल वाले बोलो जे सिखानु सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिरदान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी दे इनान चौकियाँ झंडे बुंगे जुगा जुगा टल धर्म का जयकार बोलो जे सिखां दा मन नीवा मत ऊंची मत दा राखा आप वाहिगुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे इसदा सहाई दा तार जियो श्री ननकाणा साहिब ते होर गुरद्वारियाँ गुरधामा जिन्हों तो पंथ नूं विछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभालदा दान खालसा जी नूं बख्शो जी
हे निमाणिया दे माण निताणिया दे ताण नेओटियां दी ओट सतगुरु सच्चे पातशाह गुरु गरीब रिवाज दियो। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सतगुरु जी आप जी दे पावन चरणा कमला पास अरदास बेनती जोदड़ी है जी प्रवान करना दाता पिता जी। जब लौ नहीं भाग लीलार उदय तब लौ ब्रह्मते फिरते बहुतायो। कल घोर समुद्र में बूढ़त थे कबहू मिटह नहीं रे पछतायो। तत् विचार अह मथुरा जगतारन को अवतार बनायो। जपयो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जौन गर्भ न आयो। सतगुरु सच्चे पातशाह शहीदां दे सरताज बाणी दे बोहित धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन साहिब महाराज आप जी दे शहीदे दिहाड़ी नूं मुख रखते हैं। सतगुरु जी श्री गुरु ग्रंथ साहिब विद्या केंद्र विखे सतगुरु जी आप जी की पावन हजूरी अंदर समूह संगतां वल्लों सोहणे दीवान सजाए हन। सजे हुए दीवान अंदर आप जी की पावन पवित्र बाणी इलाही बाणी दे हर जस कीर्तन गुरमत विचार आनंद साहिब की छह पौड़ियां दे जाप होए ने। सतगुरु जी जोदड़ी है समूह संगतां दे सिर ते मेहरा प्रयाहत रखना जी। नाम दी दात गुरसिखी जीवन चरणा कमलां दा प्यार बख्शिश करना जी। समूह संगत दी अरदास हाजरी तेल फुल भेटा अपने दर ते प्रवान करना सतगुरु जी आप जी दर ते। कड़ाह प्रसादी देग हाजर है दर प्रवान होवे। प्रवान होया प्रसाद समूह संगत विच वरताउण दी आग्या होवे। जो जी छके आप जी दा सतनाम श्री वाहिगुरु नाम जपे। सतगुरु जी आप जी दी पावन बाणी पढ़दे हां कीर्तन करदे हां सेवा करदे हां विचारां करदे हां होया आप जी दे सेवकां पासों बेअंत प्रकार दियां गलतियां भुलां चुकां हो जांदियां हन। अणजाण बच्चे समझ के बख्श लैणा जी अगां तों मेहर करनी शुद्ध बाणी पढ़न दी शुद्ध सेवा करन दी वल बुद्धि ताकत बख्शिश करना जी। पढ़ी सुनी बाणी दा भाव समूह संगत दे हिरदे अंदर वसाउणा बाणी ते चलन दी समर्था बख्शिश करनी। सतगुरु जी इस वेले आप जी करो कृपा। आप जी अपना पावन पवित्र हुक्मनामा बख्शिश करके समूह संगतां नूं निहाल करो जी। जो आप जी दे दर ते आवे सो राजी जावे सुख होवे नाम चित आवे। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। दोहरा आज्ञा भई अकाल के सब सिखन को हुक्म है। गुरु ग्रंथ जी मान्यो जो प्रभु को मिलवो चाहे खोज शब्द में राज करेगा खालसा। आके रह न कोए ख्वार होए सब मिलेंगे बचे शरण जो होए। बोले सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। तरण गगन नवखंड में ज्योत स्वरूपी रहो पर पन मथुरा कछ भेद नहीं गुर अर्जन पर तख हर। जब लौ नहीं भाग लीलार उदय तब लौ प्रमते फिरते बहुतायो। काल कोर समुद्र में बूढ़त थे कब हूँ मिट है नहीं रे पछतायो। तत् विचार अह मथुरा
जग तारन को अवतार बनायो, जपियो जिन अर्जुन देव गुरु, फिर संकट जौन गर्भ न आयो। सतनाम श्री वाहेगुरु साहेब जियो, बैराड़ी महला चौथा, हर जन राम नाम गुण गावे, जे कोई निंद करे हर जन की, अपना गुण न गवावे। हर जन राम नाम गुण गावे, जे कोई निंद करे हर जन की, अपना गुण न गवावे। रहाओ जो किछ करे सो आपे स्वामी, हर आपे कार कमावे, हर आपे ही मत देवे स्वामी, हर आपे बोले बुलावे, हर आपे पंच तत्व विस्थारा, विच तातु पंच आप पावे। जन नानक सतगुर मिले आपे, हर आपे चगर चुकावे, हर आपे पंच तत्व विस्थारा, विच तातु पंच आप पावे। जन नानक सतगुर मिले आपे, हर आपे चगर चुकावे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। परम सन्मानियो साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभायमान सतगुरु की साजी निवाजी सात संगत जी, अज आपां सारे ही माणयोग दीन दुनिया दे मालक साहिब श्री गुरु नानक साहिब महाराज जी की पंजवीं जोत, शहीदां दे सरताज, बाणी दे बोहित, धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन साहिब महाराज सतगुरु जी दे शहीदी पर्व नूं मनाउंदे आं, सतसंगी रूप दे विच बैठे होए हाँ। सतगुरु सच्चे पातशाह चौथे पातशाह गुरु रामदास जी महाराज बैराड़ी राग दे अंदर साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे अंग 719 ते एक संपूर्ण मनुख रब दे नाल परमात्मा नाल जुड़े हुए गुरमुख जन दी डेफिनेशन परिभाषा दसदे होए सानू समझाउणा कर रहे हन। हर जन राम नाम गुण गावे, भाव जिहड़े रब तो जुड़े हुए गुरमुख प्यारे ने, वो गुरमुख जन हमेशा ही हर हालत दे विच उस अकाल पुरख वाहिगुरु प्रभु परमात्मा की बंदगी उसकी सिफत सलाह दे विच जुड़े रहिंदे ने। हर जन राम नाम गुण गावे, हरि दे सेवक हरि दे जन अकाल पुरख वाहिगुरु दे गुण गायन करते ने। जे कोई निंद करे हर जन की, जेकर उन्हां सेवकां दी कोई निंदा भी करता है तां ओ अकाल पुरख दे गुण गायन करन दे जो उन्हां दे अंदर गुण ने उसनू त्यागदे नहीं। जे कोई निंद करे हर जन के अपना गुण ना गवावे। रहाओ जो किछ करे सो आपे स्वामी, हर आपे कार कमावे। उन्हां नू ए सोझी हो जाती है जिहड़े हरि दे सेवक ने गुरमुख जन हन,
कि जो कुछ भी करण कराउन वाला है अकाल पुरख वाहिगुरु प्रभु परमात्मा आप है। जो किछ करे तो जो कुछ भी करता मालिक आप ही करता है, उन्हां नूं समझ आ जाती है। हुक्मे अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोई, जो किछ करे सो आपे स्वामी हर आपे कार कमावे। तो अपने सेवक ते वो मालिक आप बख्शिश करता है, तो उसकी बख्शिश के द्वारा वो गुरमुख जन उस मालिक की बंदगी भी जुड़े रहते हैं। हर आपे ही मत देवे स्वामी, भाव सोझी भी अकाल पुरख वाहिगुरु प्रभु परमात्मा आप ही बख्शिश करता है। हर आपे ही मत देवे स्वामी हर आपे बोल बुलावे, भाव जो अकाल पुरख वाहिगुरु प्रभु परमात्मा की भगती है प्रभु परमात्मा आप ही बख्शिश करके कराउंदा है। हर आपे ही जो प्रभु परमात्मा हरि आप है उसने ही इस सारे संसार नू पैदा किया है। जो रूपमान अज कुदरत दिस रही है ये उस अकाल पुरख वाहिगुरु प्रभु परमात्मा की बनाई हुई है। तो ये कुदरत उस मालिक ने प्रभु परमात्मा ने पंज तत्तां तों साजी है। वह पंज तत्त केड़े ने? जल, अग्नि, वायु, धरती ते आकाश। हर आपे पंच तत्त विसथारा, इन्हां पंज धातुआं तों ये सारा संसार बनिया है। तो जिहड़े पंज धातु ने उस दे विच गुण भी उस मालिक ने आप ही पैदा किए ने। जल दे विच रस, धरती दे विच गंध, हवा दे विच स्पर्श ते वायु दे विच स्पर्श ते आकाश दे अग्नि जिहड़ा आकाश है उस दे विच शब्द। ये पंज जिहड़े गुण ने फिर ध्यान देना, जल दे विच रस, धरती विच गंध ते अग्नि दे विच रूप, वायु दे विच स्पर्श ते आकाश दे विच शब्द। ये जिहड़े गुण ने इन्हां पंज तत्तां विच वह भी मालिक ने आप ही पैदा किए ने। भाव सब कुछ करण कराउन वाला अकाल पुरख वाहिगुरु प्रभु परमात्मा आप है। हर आपे हरि ने आप ही, हर आपे पंच तत् विसथारा विच धातु पंच आप पावै। जन नानक सतगुर मेले आपे, हर आपे झगर चुकावे। कहता अकाल पुरख वाहिगुरु प्रभु परमात्मा आप ही बख्शिश करके नाम दी दात बख्शिश करता है, आप ही बख्शिश करके अपने नाल मिलाउंदा है। सतसंग जी ध्यान देना, उस मालिक प्रभु परमात्मा की बंदगी करनी क्यों है? जिवें आपां वेखदे हां संसार दे विच बहुत सारी वस्तुआं ने जिहड़े भांडे बनाउण वाले हन उस नूं ठठियार आखदे ने, जिहड़े सोने दे गहने बनाउंदा है उस नूं सोनार आखदे ने, लोहे दे जिहड़े वस्तुआं बनाउण वाले नूं लोहार आखदे हन। तो जेकर इन्हां दे विच्चों कोई वस्तु टुट जाती है, कोई भांडा टुट जाता तो असी ठठियार को लेके जाते हाँ, तो ठठियार आखदा ये जुड़ ते सकता है पर इसनों अग दा सेक देना पएगा। जे सुनियार कोल जाते हैं कोई गहना लै करके तो सुनियार भी यही गल आखदा है भी जुड़ ते सकता है पर इसनों अग्नि दा सेक देना पवेगा। लोहार कोल भी लेके जाते हैं तो लोहार भी यही आखदा है भी जुड़ते सकता है ये लोहे का भांडा लोहे का बर्तन पर अग्नि का सेक देना पवेगा। साहेब जी बख्शिश कर रहे ने के हाँ कंचन टूटे सार, के हाँ आखदे ने कहंदा भांडा कांसी का भांडा, कंचन सोना ते सार आखदे ने लोहे नूं, के हाँ कंचन टूटे सार अग्नि गंड पाए लोहार। इत्थे लोहार शब्द वरत्या सतगुरु जी ने बई अग दे नाल इन्हां नूं जोड़ देंदे ने। कहिंदे इसे तरीके दे नाल जिहड़े मनुख रब तों टुटे होए ने, जिहड़े मनुख रब तों टुटे होए ने वह किवें जुड़ सकते हैं? नानक आखे यह विचार सिफती गंड पवै दरबार, भाव अकाल पुरख वाहिगुरु प्रभु परमात्मा की सिफत सलाह के नाल जिहड़े टुटे हुए ने रब तो वह जुड़ सकते हैं। तो जिहड़े रब तो जिहड़े रब के नाल जुड़ जाते हैं, क्योंकि ये जिहड़ा जीव है ये प्रभु परमात्मा की अंश है। तो संसार दे विच जिहड़ी वस्तु जिस धातु तो बनी है उसनों उसे धातु के नाल जोड़िया जा सकता है। जिवें गारे मिट्टी का अगर मकान है तो उसनों गारे मिट्टी के नाल ही ठीक किया जा सकता है।
जेकर कंक्रीट और पत्थर सरिया सीमेंट के नाल कोई मकान की उसारी हुई है उस दे विच कोई डिफेक्ट आउंदा है कोई गिरावट आउंदी है तो उसनों सरिया सीमेंट ते कंक्रीट दे नाल ही ठीक किया जा सकता है। इसी तरह यह जिहड़ा मनुख है मन तो जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण ये प्रभु परमात्मा की अंश है और जदों उस अंश तो उस परमात्मा तो रब टुटता है तो इस नौ और थाओं ना ही शब्द लाग सवारिया इस शब्द नाल जुड़ के ही इसनों सवारिया जा सकता है। सो साहिब जी बख्शिश कर रहे हैं कि जिहड़े मनुख रब तो टुटे हुए ने उन्हें अंदर जिहड़े विकार ने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये आके हावी हो जाते हैं तो जिहड़े रब दे नाल जुड़े हुए हैं शब्द दे नाल जुड़े हुए ने उन्हें अंदर जिहड़े पंज गुण ने दया धर्म सत संतोख सबर ये जिहड़े गुण ने उसके अंदर आ जाते हैं तो जिहड़े गुरमुख जन हैं वो फिर हमेशा जिथे भी जाते हैं अकाल पुरख वाहगुरु प्रभु परमात्मा की सिफत सलाह करते हैं। हर जन राम नाम गुण गावे हरी दे नाल जुड़े हुए गुरमुख जन अकाल पुरख वाहगुरु प्रभु परमात्मा की बंदगी करते हैं। हुण जुड़े हुए का सब तो वड्डा प्रूफ आप जी ने हुणे माणयोग सत्कारयोग प्रिंसिपल साहब जी कोलों विचारना श्रवण कीतिया ने कीर्तन श्रवण किया है जिहड़े हरी तो जुड़े हुए ने तत्ती तबीते बैठे हुए सतगुर सच्चे पातशाह तेरा किया मीठा लागे हर नाम पदार्थ नानक हर नाम पदार्थ नानक मंगे पा तत्ती तवी ते बैठ करके भी उस अकाल पुरख वाहिगुरु प्रभु परमात्मा की सिफत सलाह कर रहे हैं। साईं मियाँ मीर जदों आके बेनती करता भी सतगुरु जी आप जी हुक्म करो उदों भी तत्ते नहीं आते सतगुरु जी क्योंकि सबर है संतोख है हुण सुलह खां तत्ता है सुलभी खां तत्ता है जिहड़ा भरा है पृथ्वी चंद चंदू तत्ता है भरजाई तत्ती है हवा जिहड़ी हवा है वह भी तत्ती है अग भी तत्ती है तवी भी तत्ती है देग भी उबलती पई है लेकिन सतगुरु जी संत ने आखिर तेरा किया मीठा लगा है और उन्होंने अंदर किन्ना दर्द लाहौर दे विच जदों लोग दुखी ने गुरु साहिब जी उन्हों की जाके सहायता करते हैं अकबर को जजिया मुआफ़ कराते हैं उन्होंने कारोबार देंदे हैं तो जिहड़े बच्चे ने तो उन्होंने तालीम के लिए इंतजाम करते हैं ये गुण ने सतगुरु के जिहड़े जुड़े हुए ने रब के नाल अज भी जिहड़े गुरमुख जन ने जिहड़े रब के नाल जुड़े हुए ने तो वह शुभ गुण उन्होंने अंदर हैं। साहिब जी बख्शिश कर रहे हैं हर जन राम नाम गुण गावे जे कोई निंद करे हर जन की अपना गुण ना गवावे वो अपना गुण नहीं त्याग दे ते आखिरी पदे में साहिब जी बख्शिश कर रहे हैं हर आपे पंच तत्व विस्थारा विच धातु पंच आप पावे पाव सारी सृष्टि नूं बनाउण वाला प्रभु परमात्मा आप है ते सारियां विच रब बैठा होया है जन नानक सतगुर मेले आपे जदों सतगुरु जी बख्शिश करते हैं तो उन्हां दे बख्शिश दे द्वारा ही उस मालिक प्रभु परमात्मा दे नाल मिलाप हो सकता है ते अंदर जिहड़े विकार ने काम क्रोध लोभ मोहंकार ये नष्ट हो सकते हैं परमात्मा की कृपा दे द्वारा। जन नानक सतगुर मेले आपे हर आपे झगड़ चुकावे हर आपे झगड़ चुकावे सो सतगुरु जी मेहर करन सानू नाम दी दात बख्शन ताकि नाम जप के परमात्मा दी वंदगी करके जिहड़े शुभ गुण ने उन्हां नू अपने अंदर पैदा कर सकीए ये साडा गुरपुरब मनाउणा तां ही सफल होना है जे सचमुच सतगुरु दी सिख्या धारण करके अपने जीवन दे विच बदलाव लै करके आईए सो सतगुर सच्चे पातशाह मेहर करन सानू सारिआं नू नाम दी दात बख्शन गुरसिखी जीवन बख्शिश करन ऐसे गुरते बल बल जाइए आप मुकत मोहि तारे बलिहारी गुर आपणे देवहारी सदबार जिन मानस ते देवते किए करत न लागी वार सो सतगुर सच्चे पातशाह जी मेहर करन नाम दी दात बख्शन समूह संगत दी हाजरी तिल फुल भेटा सतगुरु जी अपने दर ते प्रवान करन। सत्संग जी इत्थे ही दीवान की समाप्ति है समा बिल्कुल इजाजत नहीं दे रहा भुला चुका की खिमा फतेह नाल सांझ पाओ जी वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह।